गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी निर्देश पर एवं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों सहित वैशाली नगर विधानसभा में भी भरोसे की यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं किए गए कार्यों के साथ जोड़ा। इस यात्रा में शामिल प्रदेश महासचिव AICC के सदस्य फौजी अरुण सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए एवं ग्रैंड न्यूज टीम को जानकारी दी। देखिए, आजादी के पूर्व भी देश के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा किया और देश ने उस भरोसे को कायम रखते हुए 1947 में देश को आजाद कराया। और कांग्रेस पार्टी ने ही देश की समृद्धि, सशक्तिकरण और उसको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में जो भरोसा जनता का जीत कर नई नई योजना बनाकर देश को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी, खड़गे जी और छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है, उनके लिए नए नए योजनाएं लाके उनको सीधे लाभ पहुंचाकर उनको मजबूती प्रदान करने का काम किया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से आशान्वित और साथ ही साथ भरोसा है। देखिए, मैं वैशाली नगर विधानसभा का व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से मूल्यांकन करता हूँ, आज की यात्रा में लगभग 2000 बाइक्स के साथ लोगों ने सम्मिलित हुए और सभी लोगों ने एक स्वर में वैशाली नगर को एक मजबूत विधानसभा और एक जीतने वाली विधानसभा के रूप में आज साबित किया अपनी रैली के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम उसे जिताकर विधानसभा भेजेंगे और छत्तीसगढ़ में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में लोकसभा में राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे।